दोस्तों 60 लाख से अधिक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर से आई बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2020 के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का काम आज से शुरू हो चुका है, और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तीन तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला यहाँ पर तरीका है कि वो अपने आप को बैंक में प्रेजेंट कर सकता है, या फिर वो किसी भी जो अधिकारी है उसके द्वारा बनाए गए लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक में सबमिट कर सकता है, या फिर वो जीवन प्रमाण के द्वारा अपने आधार कार्ड के आधार पर ऑनलाइन अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकता है। तो इसी के संबंध में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है कि यदि कोई पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपने आप को फिजिकली रूप से बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाता है और वो किसी राजपत्रित अधिकारी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाता है, तो कौन सा ऐसा अधिकारी है जो कि लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर बना सकता है, इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ये लिस्ट यहाँ पर उन सभी अधिकारियों की दी गई है जो कि लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो यहाँ पर खासतौर से इसका फ़ायदा उन सभी पेंशनर्स को होगा जो कि फिजिकली रूप से चैलेंज्ड हैं, या फिर जिनका एज ज़्यादा है और वो बैंक में नहीं पहुंच सकते हैं और ना ही वो ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि जो ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि बैंक में नहीं जा पाते हैं, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नीचे दिए गए जो अधिकारी हैं यानी कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सेंड किए गए लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक में भेज सकते हैं और उसको यहाँ पर बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर नाम दिया गया यानी कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर यहाँ पर जिसका नाम दिया गया है, वो नाम यहाँ पर इस प्रकार है कि ए पर्सन एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि जो मजिस्ट्रेट रैंक का जो ऑफिसर है वो यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। उसके बाद में जो एक रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत है जिसकी नियुक्ति हुई है, वो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। उसके बाद में एक गजेटेड ऑफिसर यानी कि केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का जो एक राजपत्रित अधिकारी है, वो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। उसके बाद में ये पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI यानी कि सब इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि जो SI है पुलिस का, वो भी एक पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। उसके बाद में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो क्लास 1 ऑफिसर जो हैं, वो भी यहाँ पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है, हार्ड कॉपी पर वो साइन कर सकता है। इसके बाद में जो पेंशनर्स हैं जो कि ए पेंशन एंड ऑफिसर हु बिफोर रिटायरमेंट एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ ए मजिस्ट्रेट, यानी कि एक रिटायर्ड कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट होने से पहले मजिस्ट्रेट रैंक पर था, वो अधिकारी भी यानी कि वो पेंशनर्स भी आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसे वो साइन कर सकता है। उसके बाद में एक जस्टिस ऑफ ए पीस, या फिर उसके बाद में जो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मुंसिप, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ये भी यहाँ पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, यानी कि BDO बना सकता है, मुंसिप बना सकता है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। उसके बाद में ये हेड ऑफ द विलेज पंचायत यानी कि जो PDO होता है ग्राम पंचायत, उसका जो भी अधिकारी होता है वो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो MLA MP वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। और लास्ट में यहाँ पर है कि जो ट्रेजरी ऑफिसर है, वो भी यहाँ पर एक पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। तो ऐसे यहाँ पर 10 नहीं 11 अधिकारियों की और जो हमारे माननीय पदाधिकारी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है जो कि एक पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप इनमें से भी किसी के द्वारा आपके लाइफ सर्टिफिकेट को साइन करवा सकते हैं और उसे बैंक में आज आप जमा करा सकते हैं, जिसके बाद में आपकी पेंशन यहाँ पर कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो फिलहाल शुरू में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और आप बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ ऐसी ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।